अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। तो आज जो है ना, ईद की तैयारी शारी करने लगी हूँ। मुझे ये था कि आपके साथ शेयर करती हूँ, और मैं जो करती हूँ ना 3 दिन करूँगी लगातार, ताकि ईद के दिन अच्छी अच्छी शक्ल नज़र आए। ठीक है, सबसे पहले तो उठना है, नमाज पढ़नी है सुबह टाइम, तो फिर सोना है, सो के फिर उठना है, फिर जो आपने फेस वॉश करना है ना, वो आपने जो भी आप यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, फेस वॉश जो होते हैं, क्रीम वो यूज़ करते हैं, मैं जो यूज़ करूँगी ना, उसके अंदर जो छोटे छोटे बीड्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, दाने जिसे कहते हैं ना, सादा जो होता है ना, उसके साथ मैं फेस वॉश करूँगी। और उसके बाद ये जो एलोवेरा जेल है ना, ये इतनी फ़ायदेमंद है, ये आपके पास अगर घर में हो ना, फिर तो कोई मसला ही नहीं किसी क्रीम का। तो ये मैंने डाली है इतनी सी छोटी सी प्याली में, इतनी सी आपने लेनी है, ठीक है। और लेमन लेना है 2 कतरे सिर्फ, गिन के 2 डालने हैं, एक या 2, ठीक है। अब इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। नॉर्मल तो ये मैं आपको दिखाने के लिए प्याली में ऐसे मिक्स कर रही हूँ, मैं हाथ के ऊपर ही डालती हूँ दोनों चीज़ें और लगा लेती हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसे ही हाथ के साथ डाल लूँगी, चलो ऐसे ऐसे लगाना है, और फेस पे आपने लगा के छोड़ देना है, कुछ और नहीं लगाना आपने, ये सुबह का है। 3 दिन आपने चैलेंज है, 3 दिन आप करें। ये पिछले साल मैंने ट्राई की थी और इतना अच्छा इसका रिजल्ट निकल के आया था। मैं वो चीज़ें ले रही हूँ जो मैं खुद कर चुकी हूँ, और वो चीज़ें उठाती हूँ जो ऑयली ड्राई स्किन दोनों पे जाए ना, कि एक पे ये ऑयली है या ऐसे है वैसे है। तो ये देखिए इसकी शाइन सारा दिन ऐसी रहेगी। दोपहर को जब नमाज जोहर पढ़नी है ना, फिर उसके बाद मैं अगला तरीका बताती हूँ, ठीक है। ये होगी सुबह की, ठीक है। आप हो जाओ जी साइड पे, आप ठीक है। गर्मी है, आपको पता है आजकल पाकिस्तान में तो काफ़ी गर्मी है। गर्मी के साथ जो रंग है ना, वो 2 रंग हो जाते हैं, ना काला होता ना चिट्टा, 2 कलर के हो जाते हैं। उसके लिए ये जो गंदम का आटा है ना, जिसके साथ हम रोटी बनाते हैं, गंदम का आटा, ना के मैदा, ना के फलाना फलाना आटा, कुछ नहीं मैंने लिखना, ठीक है। गंदम आटा, कनक का आटा, ये लेना है, और साथ लेना है दूध। दूध कच्चा लें, पक्का लें, गाय का लें, बकरी का लें, आपके पास जो भी दूध है ना, घर में फ्रिज में पड़ा है, ठंडा है गर्म है, वो नहीं देखना आपने, सिर्फ चीज़ें उठानी है, बहाना नहीं लाना किसी चीज़ का, भाजी है नहीं है भाजी, दूध मिक्स इसके अंदर करना है, आटे को लेप बनानी है। मैं इसकी डमी नहीं करूँगी, सिर्फ बताऊँगी। आटा लेना है, दूध लेना है, घोलना है, घोल के लगा लेना, जैसे हम वो क्या कहते हैं, लेवी नहीं बनाते, पतंग जोड़ना, पतंग गुड्डियाँ जोड़ना, लेवी बनाई थी ना, ये ऐसी लेवी बना के फेस इधर लगा लेनी है फेस पे, ठीक है। फेस पे लगा के छोड़ देना है, और जिसके दाने हैं ना, उसने सिर्फ छोड़ना है, और दानों को बेशक दानों के ऊपर कोशिश करें ना ही लगाएं, साइड पे लगा लें, और जब ये खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, तो आपने जिनके दाने हैं उन्होंने सीधा ठंडे पानी से धो लेना है, तो जिन्होंने दाने नहीं उन्होंने हल्का हल्का मसाज करके ऊपर की तरफ फिर वाश कर लेना है। ये हो गया दोपहर का, लेकिन आपने 3 दिन करना है, और ईद के दिन मुझे दुआएं देंगी आपके मेकअप के बगैर इड्डी सुनिया लगन देंगी तुम, ठीक है। ये हो गया दोपहर का, ईजी ईजी है, घर की चीज़ें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, शाम को जब आपने सोना है ना, जो इफ्तारी कर लेनी है, नमाज़ा पढ़ लेनियाँ ने, फिर तुम तो अपने बैड पर जाना है। यह लेना वे बदामा का ऑयल, ये बादाम का ऑयल है, बादाम का, बादाम का, बादाम का, 3 दफ़ा बता दिया, ठीक है। अगर आपके पास जैतून का, वो भी ले सकते हैं, बादाम या जैतून दोनों कोई भी ले सकते हैं, मेरे पास ये है, मुझे ये बेस्ट लगता है, ठीक है। तो ये मैंने ऑयल डाला है प्याली में, और साथ लूँगी, इसके साथ भी लूँगी लेमन। अब मैं ऑयल थोड़ा सा हाथ के साथ डालती हूँ, ए इतना सा जिन्ना का तुहाडा मुँह है, मेरा बड़ा वड्डा मुँह है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा लवांगी। इसके अंदर भी 2 कतरे, 3 चलेंगे, चल कोई नहीं, ठीक है। चलो जी, अब इनको भी ना मैं ऐसे ऐसे मिक्स करूँगी, और चलो ऐसे कर लेने हैं। तो आपने कसम से ऐसे ऐसे हाथ फेस पे आपने मसाज करना है, और ऊपर की तरफ करना है, नीचे से लेके ना, होंठ होंठ जहाँ शुरू होते हैं गल्ला, क्या कहते हैं उसको, हाँ वहाँ से शुरू करके ऊपर की तरफ आपने फेस को मसाज करना है, और बस सो जाना है, और सुबह उठ के वही प्रोसीजर करना है एलोवेरा वाला। 3 दिन तुसी करना है, तो तुसी मैनू ना ईद वाले दिन फेस वहाना है मेकअप बगैर तुसी चमकन देंगे, तो मैं 3 दिन करना है। तो 3 दिन मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगी कि अब मैं ये करने लगी हूँ, ये करने लगी हूँ, ताकि आप देखें बाजी कर रही है, साथ जूड़ नहीं पो रही, तो फिर इसकी वजह से आपको भी
दिल करेगा करने को। सुस्ती होती है लेकिन ये है कि 3 दिन अब थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो अच्छे लगेंगे। इतनी मेहनत करते हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं कपड़ों के ऊपर, तो फिर थोड़ा जो ना मुँह भी साफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी हो गई ईद की 3 दिन की तैयारी। इसके बाद जो है ना मैं आपको अपने कपड़े दिखाऊंगी, ज्वेलरी दिखाऊंगी, जूते दिखाऊंगी अपनी अपनी बेटियों के, क्योंकि काफ़ी मुझे आ रहे थे कि आप ईद की तैयारी दिखाएं। तो ये मेरी है ईद की तैयारी। तो अब चलते हैं कपड़ों की तरफ। हाँ जी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपने जो ईद के ड्रेसेस हैं ना वो दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपना ईद का सूट दिखा रही हूँ। मैं एक ही दिखाऊंगी जो फर्स्ट डे मैंने पहनना है। तो ये करिश्मा का है, मैंने रेडी टू वेयर लिया था 2 पीस। ये शर्ट है और इसकी चिकनकारी हुई है जैसे घेरे पे ना, आस्तीन पे, ये देखिए। तो ये इसका ट्राउज़र है, 2 पीस लिया था मैंने। और जो दुपट्टा है ना वो भी मैंने मैच जो ना करिश्मा वालों से ही लिया था, एक्स्ट्रा मार्केट से नहीं लिया था। तो सूट तो बड़ा अच्छा डिसेंट और सेल में लिया था मैंने। आप पता नहीं मिले ना मिले आप लोगों को, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मैंने पिछले साल का लेके रखा हुआ था, इस साल तो कोई नहीं मंगवाया। तो ये इसके बाजू, इसकी भी चिकनकारी का काम है, बड़ा नफीस डिसेंट। ये देखें, क्योंकि अगर चिकनकारी आप लेते हैं ना तो मुझे सिर्फ बाजू पर पसंद है, क्योंकि अगर आप पूरी शर्ट लेते हैं ना उसके नीचे गर्मी में वो शमीज़ लगानी पड़ती है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती गर्मी में। तो इसके ऊपर तो कोई चिकनकारी नहीं, इसकी सिर्फ वैसे ही एम्ब्रॉयडरी है, बड़ी डिसेंट, बड़ी अच्छी कलरफुल, जैसे गर्मी होती है वैसे इसके कलर है, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, फ्रोजी, सारे मिक्स है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट डे का सूट है। और ये जो दुपट्टा है ना, ये मैंने मैचिंग की थी वहीं से, जहाँ से मैं लेती हूँ उसने मुझे मैच करके भेजा था ऑरेंज शेड में, ये ऑरेंज है ना। तो उसने 2-3 कलर रखे थे लेकिन मुझे ये अच्छा लगा था, तो इसका अलग अलग प्राइस है और ये 2 पीस अलग मैंने लिया था। ठीक है, ये हो गया मेरा। और ये जो कांटे शांटे हैं ना वो दिखा रही हूँ, देखो मैं कौन से पहनती हूँ, अभी कुछ पता नहीं लेकिन 2 रख दिए हैं। देखें, ईद के दिन डिसाइड होगा, जो जिसके साथ कान में दर्द नहीं ना होगी वो पहनूंगी। ये है एक, ठीक है, और एक ये बालियाँ का, जैसे वो कलर कंट्रास्ट में ऐसे ये भी है। ये देखें, हाय नज़र ही नहीं आ रहा ठीक से, एक तो मैं नीचे रख देती हूँ शायद नज़र आ जाए। देखें, आप देखें, ये उल्टा हो गया, ये वाली है और ये ऐसे टॉप टाइप है। देखूँगी कौन से पहनने हैं, जिसके साथ कान में दर्द नहीं होगी ना वो पहनूँगी। तो ये मेरा गुस्सा है, ये मैं येलो कलर का गुस्सा रखा है अभी, तो क्योंकि आपको पता काम करने होते हैं तो बेहतर ये कि आप चप्पल पहने। अगर ईद पढ़ने जाना है तो फिर तो आप हील पहन के जा सकते हैं, लेकिन अगर घर में है कहीं वैसे कहीं जाना भी नहीं, इस दफ़ा मुझे नहीं लगता हम कहीं जाएं, तो इसलिए मैंने खुद सा निकाला है। तो ये मेरा सूट है, आगे मैं अपनी बेटी की एक ही करके दिखाती हूँ। ठीक है, चले, ये मेरी बड़ी बेटी का, ये भी पहले दिन ही पहनी थी, पहनेगी, निकाल ली है मैंने, अब उसको पहनाया भी है कि ये ना तंग हो जाए, क्योंकि मैं पिछले साल मंगवा के रख लेती हूँ, तो मैंने उसको पहनाया कि देख लो अगर पूरा तो मैं ये निकालू, नहीं तो कुछ और देख लेते हैं। तो फिलहाल तो मान गई है कि ठीक है, इसलिए मैंने आपको दिखाना शुरू कर दिया। ये जे डॉट का है और मैंने 3 पीस ही इसका लिया था, जैसे 38 साइज में। तो अभी ये टीन एज में जा रही है और इसकी जो एज है ना समझ ही नहीं आती कौन सा इसका लें, ना ये छोटे में आती है ना बड़ों में आती है। तो मुझे ये बेस्ट लगे थे, छोटी छोटी इसकी कढ़ाई है, डिसेंट सा जैसे बच्चियों की होती है। तो ये 3 पीस लिया था इसका मैंने, मुझे नहीं पता अब कितने का है और इस साल मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं मुझे पता। ठीक है, ये इसके बाजू पे कढ़ाई है और गले में, और नीचे जो है ना वो क्या इसको कहते हैं, तिल्ला शिल्ला लैस वूस लगी हुई है ये वाली। ठीक है, आजकल चल भी रही है। तो दुपट्टा इसके साथ क्रश वाला था, इसी के साथ था, सेपरेट नहीं लिया, ये इसी 3 पीस के साथ दुपट्टा था क्रश ना, जैसे ये आजकल चल रहे हैं दुपट्टे, इसलिए मैं छोटे लेती हूँ क्रश, कोशिश करती हूँ ताकि वो संभाल सके। आपको पता है संभालना भी कौन सा इनके लिए, वो बड़े ले लूँ तो वो कैरी नहीं कर सकती ठीक तरह से। तो सिंपल इसके साथ ट्राउज़र है, कोई कढ़ाई वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं इसकी जो कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी वाले काम लेती हूँ, क्योंकि ये पहनती काम मैं चुभते चुभते रोला डाल देती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे भी हों, डिसेंट भी हों और जो पहनने भी अच्छे लगें। इसके एयर रिंग मैंने सिंपल लिए हैं, क्योंकि मैं रूनस का दुपट्टा दे रहा है ना शेड, तो इसी शेड में मैंने लिए हैं इसके एयर रिंग। तो अब मेरी तरह ये भी देखेगी पहनने नहीं पहनने,
क्योंकि उस वक्त कह देती है, लेकिन जब ईद आनी ना तब बड़ा रोला डालती है। तो ये इसकी साथ सिंपल सैंडल ये हो गया डन बेटी का। और अभी आपको आसिया का दिखाती हूँ। ये आफिया का है और इसका पहले दिन का मैं दिखा रही हूँ। इसके ये भी मुझे लगता है करिश्मा का। हाँ ये करिश्मा का है। आपको बताया ना इसके मैं ज़्यादा इसके लिए लेती हूँ। ये चिकनकारी की शर्ट है और अच्छी बनी है। और साथ ये एप्ली का काम है, मुझे लगता है एप्ली की इसको कहते हैं। अब तो सच्ची में भूल ही गया क्या क्या कहते हैं। तो साथ इसके गरारा है, गरारे में बड़ी अच्छी सी उसने वो समोसा लेस या समोसा कट है, तो कपड़े की लेस तो नहीं है, इसका काम हुआ है नीचे। और ऊपर ये जो ना गोटी है और ऊपर स्टोन है, क्या है ये, पर्ल है, इसका काम हुआ है। तो ये देखें ना बच्चों के जैसे ईद होती है, इनकी ईद होती है, हमारी क्या ईद होनी है। हम तो बस अब गुजारा ही करते हैं कि ईद है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ऐसे बड़ी बच्चों को अच्छी लगती है पहनने में, तो मैंने इसके लिए गरारा चूज़ किया है। अब देखें पहन के क्या करती है, गिरती है कितनी दफ़ा ये नहीं पता, ले लिया मैंने, पहन लेती है, मना नहीं करती, थोड़ा सा चुभने वाला ना हो फिर वो पहन लेती है। तो ये इसकी चूड़ियाँ मैंने ली है, एक साइड पे वाइट है और एक साइड पे मल्टी पहनेगी, क्योंकि कलर बड़ा वाइट में ना अगर कलरफुल चीज़ें पहने, जैसे अगर सिंपल वाइट सूट है और कलरफुल दुपट्टा हो फिर तो क्या ही बात है। तो ये तो खैर वैसे ही आफिया का है, तो एक तरह मैंने वाइट पहनेगी और एक तरह मल्टी। ये पाकिस्तान से ही इसकी चूड़ियाँ आई हैं। और ये जो इसकी चप्पल है ना, ये इसकी पुरानी है, नई नहीं है, क्योंकि मार्केट वगैरह बंद है, लेकिन शुक्र है कि चलो इसकी मैचिंग हो गई है साथ। और साथ इसका नेट का दुपट्टा है और सिल्वर उसकी डोरी लगाई हुई है, उन्होंने पाइपिंग की है क्या डोरी। तो ये आफिया का सूट है, अब ईद पे पहनेंगे, फिर आपको साथ वीडियो में शेयर करूँगी कैसी लगती है, कितनी दफ़ा गिरी है वो भी बताऊँगी ये पहन के, ठीक है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, अल्लाह करे आपको पसंद आए। और जैसे ईद है ना, तो अल्लाह का दुआ करें मौसम जो है ना हमारी तरफ नॉर्मल ही रहे, जैसे हम सूट निकाले वैसे ही रहे, ठंडा ना हो जाए। तो चलिए ठीक है, इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें, और मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।